पूरा शहर जो है नीचे से जमीन के अंदर भी दो दो तीन तीन मंजिलें, जमीन के ऊपर भी दो दो तीन तीन फ्लोर, ये सड़कें ही सड़कें हैं, बिछा हुआ है। ये इन लोगों की लियारी नदी है, इन लोगों की लियारी नदी है। कल हम एक टनल में घुसे हैं, मैं तो टेंशन में आ गया, मैंने कहा भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से अमेरिका जाके निकलेंगे, इतनी लंबी टनल। इनको आबादी अपनी अगर कमी पूरी करनी है ना, मेरे बयानात में बैठने वाले लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये जी टोक्यो शहर है, टोक्यो जापान का शहर और दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से सबसे महंगा तरीन शहर भी है। और सबसे कहा जाता है महंगा तरीन शहर भी है। बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, इंतहाई सफाई सुथराई, और अभी हम जिस टनल से गुजर के आए हैं, मुझे पहले पता होता मैं उसकी वीडियो बनाता, इतनी लंबी टनल। इन्होंने बताया कि ये पूरा शहर नीचे से खोखला है, टनल लंबी लंबी सुरंगें बना के इन्होंने रोड बनाए हैं, एक ही ऊपर तीन चार पांच, और हाँ टनल के नीचे टनल, टनल के उसके नीचे टनल, उफ हर इलाके के लिए अपने टनल, कितना खोदा है जमीन को और उसके ऊपर बिल्डिंगें होंगी। ये है जी टोक्यो, दिन में दिखाएंगे आपको, रात में क्या समझ में आएगा। ये जी हम टोक्यो शहर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये टोक्यो की मशहूर बिल्डिंग है, बस नंबर है बुर्ज खलीफा, ये स्काई ट्री, फिर ये स्काई ट्री। अच्छा ये जो जापान में टोक्यो है ना, ये पूरा खोखला हुआ हुआ है, इसमें सुरंगें हैं और एक सुरंग के नीचे दूसरी सुरंग, उसके नीचे तीसरी, टनल ही टनल है इसमें। ये हाईवे, ये भी हाईवे। अब देखें आप, ये ऊपर अलग सड़क है, ये हाईवे, नीचे ये सड़क दूसरी है। सड़क है नीचे, आम सड़क, नीचे भी एक और सड़क है, वो आम सड़क है। हाँ अच्छा। फिर जमीन दोस्त भी सड़कें हैं, वो जमीन दोस्त हाईवे, टनल है, इतने लंबे लंबे टनल है, पूरा शहर जो है नीचे से जमीन के अंदर भी दो दो तीन तीन मंजिलें, जमीन के ऊपर भी दो दो तीन तीन फ्लोर, ये सड़कें ही सड़कें हैं, बिछा हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है टोक्यो। 6 करोड़ की कितनी आबादी है इसकी, 6 करोड़ के लगभग, सिर्फ आबादी 6 करोड़ के करीब, यानी कराची इतना बड़ा शहर है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में आता है, उसकी आबादी भी 3 करोड़ है तकरीबन, और बाकी लोग काम करने आते हैं तो फिर 6 से ऊपर हो जाता है। अभी जो हुकूमत, सिर्फ मकामी आबादी यहाँ की 6 करोड़ है, अभी हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग यहाँ से जाएंगे उनको 20 बच्चों के हिसाब से तकरीबन 10 लाख से लेकर 20 लाख तक ये ट्रेन भी जा रही है। हाँ ये ट्रेन जा रही है, ये गवर्नमेंट चाह रही है कि शहर से बाहर मुजाफात में लोग जाके रहें, तो उनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि आप काइंडली यहाँ से दफा हो जाएं, यानी सॉरी यहाँ से आप चले जाएं शहर के मुजाफात में जाके रहें, क्योंकि जापान तो फैला हुआ है, तो सारी आबादी इधर ही आ गई है जापान की, 6 करोड़ इधर है, टोटल आबादी 14 करोड़ है तकरीबन, ऐसा ही है ना, आपको मिला के 12-13 करोड़ है, हम लोगों को मिला के जो हम 5 आदमी इसमें बैठे हैं, 12-13 करोड़ की आबादी है, और जो है क्या नाम है, आप ये देख सकते हैं टोक्यो शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया का एक्सपेंसिव शहर, हाँ महंगा तरीन शहर है जी ये, और ये समंदर से नहर लेके आए, हाँ सिटी के खूबसूरती के लिए। अच्छा यहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, यहाँ पे टेनिस खेलते हैं, यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, इन्होंने ग्रीन बनाई है, ग्रीन एरिया है ये, इन लोगों की लियारी नदी है, इन लोगों की लियारी नदी है, हमारी भी है ना, ये इतनी खूबसूरत है ये जगह कि आप जब इसको देखेंगे तो आप कहेंगे मैं इधर से जाऊंगी। अच्छा नीचे आप अभी आप देखेंगे, गुड हो गया अभी हम दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। सबसे जो अट्रैक्टिव चीज है और दिलचस्प चीज है वो ये है कि सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर सड़क, फिर उसी सड़क में ग्राउंड, जमीन के नीचे सड़क, फिर उसके नीचे सड़क, फिर उसके नीचे सड़क, डबल डबल टनल है जमीन के अंदर और बड़े लंबे लंबे टनल है। कल हम एक टनल में घुसे हैं, मैं तो टेंशन में आ गया, मैंने कहा भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से अमेरिका जाके निकलेंगे, इतनी लंबी टनल। जापान की आबादी टोटल 13 करोड़ है, और इसमें जैपनीज जो मकामी है वो कितने हैं, सिर्फ जैपनीज 13 करोड़ है, और ये पहले 16 करोड़ थे ना,
ये किस साल इनकी जब मर्दम शुमारी हुई थी तो 16 करोड़ थे ये लोग, ये 2021 में इनकी आबादी जो है 125.7 मिलियन थी। अबे मिलियन मिलियन को छोड़ो, करोड़ों में बताए ना जो चल रहा है, आप तो यूनिट ही चेंज कर रहे हो। 2016 में आबादी कितनी थी करोड़ में बताओ, 12 करोड़ 71 लाख। अभी ये है 2017 127 18। असल में इसमें गैर मुल्की जो जिनको नेशनलिटी मिली ना उनकी आबादी बढ़ी है, अभी तक नहीं हुई 22-23 नहीं हुआ, 22-23 नहीं हुआ, 22 तक की है, 22 तक। अच्छा 22 तक 13 करोड़ हुई है इनकी। जो मकामी आबादी है ना वो घटी है, जो फॉरेनर्स आए हैं ना उनकी आबादी बढ़ी है। स्कूल में बच्चे ना होने के बराबर है जब उसकी। स्कूलों में भी गैर मुल्की बच्चे ज्यादा आबाद हो गए हैं, अपनी नस्ल इनकी माइनस में जाना शुरू हो गया। अब कहते हैं बच्चे पैदा, पहले कहते हैं ना करें, अब कहते हैं पैदा करें। अब लोग पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। छत के ऊपर स्पोर्ट्स बनाए हुए सब, ये फरमाते हैं कि 2070 में जो मौजूदा आबादी है इस आधा से भी ज्यादा कम हो जाएगी। ओ हो, 2070 में कह रहे हैं आबादी आधी हो जाएगी जापान की। तकरीबन अभी 125.7 मिलियन है जी, तो 2070 में ये 87 मिलियन हो जाएगा। तो हम लोग 2070 में आते हैं फिर, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जरूर, उम्मीद रखनी चाहिए जी। टोक्यो में 40 मिलियन मैं तो अभी लड़का हूँ। इनको आबादी अपनी अगर कमी पूरी करनी है ना, मेरे बयानात में बैठने वाले लोगों को बुलाना पड़ेगा। अच्छा आप ये देखें मोड़ पे जो है ना, इन्होंने क्या किया, ये जो सड़क है ना रेड कलर की नजर आ रही है, आराम से जाए, ये खतरा भी है और इसमें स्लिप भी कम होती है, इसमें इस रोड में ग्रिप ज्यादा है। ये है टोक्यो के बाद 40 मिलियन आबादी है टोक्यो की, 4 करोड़ अब की नहीं, ये अब की नहीं, ये तो बहुत पुरानी की है, 21 की। 2021 में 4 करोड़ थी, अब 6 करोड़ हो गई है। ये है जी टोक्यो शहर, बहुत ही मशहूर तरीन शहर है, यहाँ की तनख्वाह अच्छी है। तनख्वाह यहाँ पे अच्छी है, महंगाई भी है लेकिन तनख्वाह ज्यादा अच्छी है। कि एक कमरे का फ्लोर नहीं है इस फ्लोर में, एक कमरे का फ्लैट आपको मिलेगा पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए किराए पे, गैस बिजली पानी के अलावा। अच्छा लेकिन ये के वो फिर तनख्वाहें भी तो अच्छी है ना यहाँ पे, ये कि यहाँ पे 2-2.5 हजार घंटा की तनख्वाह है, यानी कि 4-5 हजार घंटा आपको तनख्वाह रुपए मिलती है, 4-5 हजार घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। सही हो गया, लेकिन ये नहीं कि आप एक घंटा काम करें, कभी बीमार हो जो 1 घंटा करे उन्हें आपको सुबह 8 से 5 बजे तक के टाइम होता है, 8 से 5 बजे तक काम तो फिर लोग करते हैं। इसमें जो है 10 से 15 तक छुट्टी है, 10 बजे छुट्टी हो जाती है, 15 तक छुट्टी है, सिगरेट पी ले या कॉफी पी ले। अच्छा फिर आपने काम करने, फिर 12 बजे घंटी बजती है, वो घंटी जापान के गली गली शहर शहर जगह जगह घर घर पे वो घंटी बजती है। अच्छा 12 बज गए छुट्टी हो गई, सारे जापान छुट्टी हो जाती है, 1 बजे दोबारा घंटी बजती है। तो वो 12 बजे छुट्टी के बाद खाना खाते हैं, खाना कोई क्या करता है, कोई गाड़ी में सो जाते हैं, है। फिर जो है 3 बजे छुट्टी होती है, 3:15 फिर बाज होगा 4 बजे या 5 बजे मुकम्मल छुट्टी हो जाती है। अच्छा अच्छा ये देखो भाई ये बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरे नंबर पे तबील तरीन, हम उस बिल्डिंग के आखिरी सिरे पे जाएंगे, वहाँ से वापस भी आएंगे ना क्या जरूर। आबादी ज्यादा हो गई तो आप दिल बैठाने वाले कम करना चाह रहे हैं। अच्छा 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 हाँ हाँ ये टोक्यो शहर में हम दाखिल हो गए, अब यहाँ लंबी लंबी टनल्स हैं। हाईवे से हम नीचे उतरे, ऐसे जैसे कराची में हम लियारी एक्सप्रेस से नीचे उतरते हैं ना एकदम इस टाइप। ये शुरू हो गया जापान टोक्यो। हमारा इरादा हिरोशिमा और नागासाकी जाने का भी है, जहाँ एटम बम गिरा था वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन हम ट्रेन में जाएंगे इंशाल्लाह और ट्रेनों की ज़ियारत कराएंगे आपके को। जापानों की ट्रेनों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, हमने भी बहुत सुना है, देखेंगे जी कि वो वाकई ऐसा है भी है गलत है। हमारे आवाज़ मारते हैं बस वाले ना, मुल्तान है इधर ऐसी आवाज़ नहीं आती बसों में, जापान है जो गाड़ियां जा रही होती है ना कराची से मुल्तान, उसमें आवाज़ आती है, यहाँ भाई मुल्तान है।
इधर ऐसी जापान की आवाज़ नहीं आती, जापान या टोक्यो है नहीं, वो ट्रेन में बोलते हैं ट्रेन, हाँ ट्रेन में क्या बोलते हैं, कहते हैं ट्रेन में बोलते हैं कि ये हम स्काई ट्री से गुजर रहे हैं या स्काई ट्री पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़े स्टेशन आ रहा है, तमीज़ से बोलते होंगे ना, तो ट्रेन में गर्म अंडे ये आवाज़ें नहीं आती, जूस ले लो जूस, बारह मसाला, तेली दाल, तेली दाल की करारे पापड़े, वाला बड़ा टाइम हो गया नहीं सुनी आवाज़ें यार, ये आवाज़ें तो मिस्दा की बाप, करारे पापड़े गरम अंडे उसी स्टाइल में बोल रहे, मैंने ये काम किया नहीं है लेकिन सुना बहुत है, मैंने ये सुना था कि बारह मसाले तेरहवीं दाल, नहीं 12-15 मसाले से तैयार करदा, सिर्फ 5 रुपए बिरयानी की प्लेट का वो ठेला लगता था हमारे यहाँ, 5 रुपए की प्लेट 12 मसालों से तैयार करदा। तो एक दफ़ा मैंने वो रेडी पे ली, मैंने कहा यार देखें, तो उसमें 12 मसाले ही थे बस, खाली उसमें 2-4 चावल के दाने थे, मसूर की दाल जो 5 रुपए की थी, तो फिर यही होगा ना उसमें, मसूर की दाल पकाते हैं मसालों में, मसूर की दाल तारिक जमील साहब के बयान भी काफी मशहूर है उसमें, क्या तारिक जमील साहब ने कहा था कि एक सिख था कि कौन था वो जो मसूर की दाल पकाता था, अच्छा उस पे मसूर की दाल तो सस्ती थी, तारिक जमील साहब को बड़ा जबरदस्त वाक्य सुनाते, अल्लाह उनको सेहत अता करे तारिक जमील साहब को, और जो है वो कहते हैं मसाले बनाते थे, उसने कहा कि इसका बजट की दाल तो 1 रुपए की, आपने इस पे खर्चा 20 रुपए के कितने आए, ये मैं अपने तरफ से बोलूं, लेकिन उन्होंने काफी तफसील से किया वो बयान, सुन ले आप लोग, तो उसने कहा कि इसमें मसाले मैंने महंगे तरीन डाले, आप चके तो सही, अच्छा जब उसने चका किया तो वाकई है, फिर वो बावर्ची उससे भाग गया था, फिर उसने उस बावर्ची को मार दिया था कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो किसी को खाने भी नहीं देंगे उसको, अच्छा तो वाकई जो मसालों से पकती है तो वो भी चीज भी खाने की होती है माशाल्लाह। वो सरदार जी बनाते थे वो दाल, पता नहीं किस तरह बनाते थे वो, लेकिन वो तारिक जमील साहब को बयान सुनना पड़ेगा इंशाल्लाह, तारिक जमील साहब आएंगे भी, हमारी दरख्वास्त है आपके वीलॉग से, मैं दरख्वास्त करता हूँ जी, मैं उनको पर्सनल भी आपकी तरफ से पैगाम भेज दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आजकल तो उनकी सेहत थोड़ी खराब है, उनको सेहत अता करें, उनके साथ उनका मैं तस्वीर जब आती है तारिक जमील साहब की तो मैं उसको फुल फोर हटा देता हूँ, क्योंकि उसका दुखी हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकता माशाल्लाह, क्योंकि वो एक हंसता हुआ चेहरा था, मैं दुखी हुए नहीं देख सकता, मैं हटा देता हूँ गम की वजह से, ऐसी मोहब्बत है गम की वजह से, कसम खुदा की मैं उनका चेहरा नहीं देखता, मैं हटा देता हूँ, मैं खफा होता हूँ तारिक जमील साहब को देख के, मेरी दिल से दुआ है, मेरे बच्चे सब दुआ करते हैं कि तारिक जमील साहब को अल्लाह सेहत कामिल अता करे, और जो उनको नुकसान हुआ है अल्लाह वो दोनों जहानों में उसका अजर दे, उनको सब्र जमील का, आमीन आमीन। ये ओरिजिनल सच्ची मुच्ची के जापानी लोग जा रहे हैं, सर्दी चूंकि हो रही है यहाँ पे, इसलिए ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि मैं जब आता हूँ अक्सर इन मुल्कों में सर्दियों में आता हूँ, तो कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पूरे पहने हुए होते हैं, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं ये है चैनल मुफ्ती साहब का, लेकिन ये है इस्लामी मालूमात के लिए, ये आप लोगों के सिर्फ एक सबक है, यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो नंगी स्कर्ट सर्दियों में भी गर्मियों में तो ऐसे भी उनको मजा आता है, और मिसाल आप ये देख लें इनके यहाँ के मर्द जो है ना वो पूरे पैक होके चलते और औरतें नहीं चलती, आप इससे अंदाजा लगे कि ये किस सोच के लोग हैं। बस वो तो सारी दुनिया का अलमिया है, लेकिन खैर सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े पूरे नजर आते हैं, बस हम उस तरफ जा नहीं गए ना जो आपको नजर। चलो अच्छा है ना आ जाए ना। आपके डांट की वजह से हम गाड़ी के गलियों में इधर उधर लेके जाते हैं। ये मुझे सारी अच्छी अच्छी इस्लामी जगहों पे लेके जाते हैं, इस तरह शेख साहब आए थे, शेख साहब ने जिस तरह टोक्यो देखा हमें डांटा, हम भागे वहां से, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैंने कहा जी भागो। ये जापान की गलियां हैं जी, ये है टोक्यो, साफ सुथरा, नीट क्लीन, ये तो पूरी दुनिया ऐसे ही है भाई, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें सफाई आपको बहुत से भी ज्यादा नजर आएगी। ये देखो कैसी साफ सुथरी गलियां हैं, ऐसा नहीं है कोई आंटी ऊपर फ्लैट से पैंपर फेंके, हमारे यहाँ बहुत हो रहा है इस तरीके से। एक दफ़ा जा रहे थे ऑफिस मेरे बड़े भाई ना, बस से जो है एक पिचकारी आई पान की और मेरे भाई साहब के कपड़ों पे पड़ी। ऑफिस जा रहे थे वो कलर भागे, वो कलर भी तो नहीं जाते, नहीं नहीं वो भागे बस में चढ़े, उस बंदे को पकड़ा तो खैर उसने सॉरी की तो छोड़ दिया उसको, क्या करते अगर लड़ते तो एक और पिचकारी मार देता, पिचकारी मार।
ये जो ये जो आपने क्या पान, इसका कलर भी नहीं जाता सुना? पता नहीं, मुझे तो इसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं। हुकूमत अगर लोगों को ऑर्गेनाइज कर दे और लोगों में अवेयरनेस पैदा करे तो हम लोग भी बहुत अच्छे उन इनसे ज़्यादा साफ हो सकते हैं, क्योंकि सफाई तो हमारे मजहब का हिस्सा है। ये वो बिल्डिंग है, चक्कर लो होती था मौली साहब जो है ना हमारे साथ घूम रहे हैं बेचारे 3-4 दिनों से, हालांकि बहुत मसरूफ आदमी है मौलाना फतहुल अमीन साहब। नाम याद हो गया 3-4 दिन से, उनका गलत नाम ले रहा था मैं, अब जाके याद हुआ है, फतहुल अमीन। कभी फजले मुबीन कह रहा था, कभी फजले अमीन कह रहा था, कभी फतहुल अमीन कह देता था, ये दो खादिम हैं आपके, अब जाके फतहुल मुबीन याद हो गया। हमजा और उस्मान, ये हमजा और उस्मान ये इरशाद साहब के बेटे हैं दोनों। ये हमजा और उस्मान ये इरशाद साहब के ये खादिम है। तो ये गलियां आप देख लें, इनकी जापान की टोकियो की गलियां साफ सुथरी गलियां हैं। इनका सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, बस एक चीज की बड़ी शदीद कमी है, जिसकी वजह से बहुत कुछ अच्छा हो के भी अच्छा नहीं है और बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा वो मामला खराब है। दुनिया ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इनके मामलात हैं वो काफी खराब है। इनकी जिंदगी टेंशन से भरी होती है और टेंशन की वजह से इनके चेहरों पे और यहाँ पे खुशकियाँ नजर आती है। वो हम जो कहते हैं क्या होते हैं, वो पूरे पश्तों में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, वो दाग सा बन जाता है इधर। तो ये लोग टेंशन की वजह से, क्योंकि इनकी जिंदगी जो है ना इनफिरादी तन्हाई, मोहब्बतें नहीं है, बिल्कुल मोहब्बतें नहीं है, बाप बहन भाई बेटा मोहब्बत नहीं है। दूसरा ये लोग जहाँ जाते हैं ना तो इंग्लिश सिस्टम में हर बंदा अपने पैसे देता है। हम तो कहते नहीं भाई मैं दूं, ये इस लड़ाई में आप अपने गिरवान पार दे देंगे, मैं दूंगा और आप देंगे। और ये लोग जो है नहीं भाई, हर बंदा अगर एक यन का भी ले रहा तो अपना देगा, बीवी अपना देगी, बेटा अपना देगी, देगा बाप अपना देगी। पाकिस्तान में बड़ी जबान उर्दू है, तो ये पश्तो भी सीखते हैं उर्दू भी और यहाँ की जैपनीज भी हमारे, और स्कूलों में इंग्लिश भी, तो 4 जबाने हैं जो यहाँ ये लोग सीख रहे हैं। मुमंद एजेंसी के हमारा ताल्लुक है और मुमंद एजेंसी के कबाइल जो है पाकिस्तानी, वो जापान में सबसे ज्यादा तादाद इनकी है जापान में। वो क्वेटो वालों से पंजाब वालों से इनकी तादाद ज्यादा है यहाँ पे। और फिर मुमंद एजेंसी में साफी कबीला है हमारा, बहुत बड़ा कबीला है, बहुत गैरतमंद कबीला, उसकी तादाद फिर यहाँ पे ज्यादा है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम देवबंद से हमारा बिल्कुल लगाव है, टच है। और दूसरा हम जो है बच्चों को यही तरगीब देते हैं, 99% हम बच्चों को यही तरगीब देते हैं ना कि ये करो इस तरह जाए। 90% नहीं, देवबंद तो सब है, 100% है देवबंद तो सब है, लेकिन जो हम जो बाकी लोग जो है ना 20% वो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे मस्जिदें नहीं है। हाँ। तो उनको काफी नुकसान हो रहा है मस्जिदें ना होने का। सही, सही, सही। हमारे यहाँ मस्जिदें काफी हैं, दीन से जो वो यहाँ पे लगाव है ना वो आपने देख लिया। बस मस्जिदें बनानी चाहिए और मदरसे बनाने चाहिए और तबलीग से जुड़ना चाहिए इंशाल्लाह। और जो भी दीन की खिदमत कर रहा है, इस्लाम की खिदमत कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुफ्ती साहब से दरख्वास्त भी है और मुफ्ती साहब से हम एक रिटर्न लेंगे कि वो हमें हर साल में 15-20 दिन दें, बस ये हम इनसे रिटर्न लेंगे और इनका जो है हम यहाँ का जो है परमानेंट वीजा का बंदोबस्त कर रहे हैं जाते जाते। कि परमानेंट तो जब होता है, जब मेरी एक शादी यहाँ होती है, वो तो बगैर भी हो जाएगी शादी, तो मुमकिन नहीं है। 3 साल के वीजा इंशाल्लाह होगा। अच्छा भाई ये देखो आप, उस्मान दाजी होटल देखा होगा। बस इरशाद साहब सब जगह अच्छी हैं, लेकिन मज़ा इंसान को अपने जगह पे ही आता है, अपने घर पे ही आता है, सुकून जो है ना ज़्यादा। हमें तो कराची में ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ भी अच्छा है, घूमे फिरे आदमी, लेकिन जहाँ इंसान जिंदगी गुजारी होती है सुकून उसको वहीं मिलता है। देख लो भाई, विदाउट हेलमेट तसव्वुर नहीं है बाइक चलाने का। एशियन से अच्छा ये
बुकिंग नहीं हुई। ये आज क्या मार्केटें बंद है या इसने यहाँ पे यकम तारीख को हर किस्म का स्टोर बंद है। अच्छा पहली आज फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट जनवरी है तो ये सब कुछ बंद है 2024 ताकि हम ऊपर कहीं पे घूमे फिरे। पार्किंग हमें नहीं मिली, पार्किंग ये मिल गई। चले जी पार्किंग को गाड़ी खड़ी करके पैदल निकलते हैं। सफाई देखें खाली गलियों में, ये सफाई गलियां किस कदर साफ सुथरी। सफाई सुथराई, जैपनीज का ओरिजिनल लिबास है। बस मैं जरा इनको खाली लिबास ही दिखा रहा हूँ। Once upon a time, अब तो अब ये रेड, देखिए रोड खाली है लेकिन रेड सिग्नल है तो कोई भी नहीं जा रहा, पैदल नहीं जा रहे। अब ये ग्रीन हो गया है, लोग जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। हालांकि कोई गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी, लॉ की को फॉलो किया जाता है, कानून की पाबंदी है इस वजह से। अब यहाँ मेरे लिए व्लॉग बनाना मुश्किल है। कम तरफ से लगा टिकट है, ये है जी जलजला प्रूफ बिल्डिंग। मैं बुगर में जापान में बहुत आते हैं। यहाँ जी हम नमाज पढ़ रहे हैं असर की, माशाल्लाह सब साथी जमात से नमाज हो रही है। यहाँ भी हमने नमाज पढ़ी है। अच्छी बात यह है कि जैपनीज यहाँ से हट गए थे नमाज के लिए, उन्होंने फौरन जगह छोड़ दी। ये नए मेहमान आए, कहाँ से आ रहे हैं आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आयरलैंड से। आप कहाँ से? अच्छा अच्छा, यहाँ भी हर जगह लोग नजर आ रहे हैं, हर जगह पाकिस्तानी दुनिया में पहुँचे हुए हैं यार। पर मैं अफगानी हूँ। अच्छा आप अफगानी, सही है सही है। आप सबके बीच एक मैं अफगानी हूं। कोई बात नहीं, कलमा पढ़ते हैं ना। नहीं, वो मसला नहीं। मुसलमान है कि नहीं? नहीं वो तो ठीक है, मुसलमान तो मुरूर ही, बस खबर खत्म हो जाए। बस इंडियन पाकिस्तानी अफगानी और मुसलमान से सब एक ही जैसे हैं ना, एक ही कंट्री करीब करीब में तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं माशाल्लाह। तो जहाँ भी जाओ माशाल्लाह मुलाकात के लिए आ जाते हैं लोग। हमने नमाज़ पढ़ी इधर माशाल्लाह, इन लोगों ने लोग जो थे दाएं बाएं हो गए ताकि हम नमाज आसानी से पढ़ सकें। ठीक है जी चलो। यहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है स्काई ट्री में जाने के लिए, ये बता रहे हैं यहीं के हैं। अच्छा सब अपने बारी का इंतजार, ऐसा नहीं होगा लाइन तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करें। कभी भी आपको ये नजर नहीं आएगा। अच्छा यहाँ कोई किसी को घूर घूर के नहीं देखता। हमारा ड्रेस इनसे सबसे डिफरेंट है। अब मैंने पगड़ी पहनी हुई है, देख सकते हैं। टिकट वगैरह वाले घूर घूर के देखते नहीं है, तो पूरा समझा जाता है। हम नमाज पढ़ रहे थे, ये लोग हट गए, जमात हो रही थी काफी साथी जमा हो गए, लोग हट गए। कसम जिन्ने 10 ही हूं, लेकिन घूर के नहीं देख रहे थे कि आदमी कंफ्यूज हो। जैसे वो कसम होता है ना, वहाँ पाकिस्तान में किसी जगह बैठे हुए हो, मुसलसल लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं। आदमी ना खा सकता है ना टिकट, बुरी चीज है, छोड़ना चाहिए। जब कोई बैठा हुआ है तो आप उसको घूर के ना देखें। चले हम वहाँ बैठ रहे हैं, ये सब जाके इकट्ठे 10-15 टिकट लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना सीखने की है, ये चीज़ चूँकि मशहूर लोगों को इससे बड़ा वास्ता पड़ता है। जब भी कोई कहीं बैठा हुआ हो ना, कोई चाय पी रहा है खाना खा रहा है, उसे घूरे नहीं, अपने कामों में मशगूल रहें, बाद में जब फारिग हो जाए तो आके मिल लेना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। तो पाकिस्तान से बाहर निकलते ही हमें ये चीज़ एक नज़र आती है, यूरोप में भी और बैंकॉक थाईलैंड में जापान में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तो कोई किसी को घूर घूर के नहीं देखता। हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो ये इनको यानी थोड़ा सा ज़ाहिर है इनके लिए जमात से नमाज ऐसी पब्लिक प्लेस पे थोड़ी सी इनके लिए अलग सी चीज़ है, तो ये देख तो रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है कि मुँह की तरफ घूर के हम जैसे सलाम फेरा तो थोड़ा इन्होंने नज़रें हटा ली, भी सामने वाले को बुरा ना लगे। भाई मसला ये हुआ कि प्रोग्राम बढ़ गया, वो टिकटें रात की मिल रही हैं बिल्डिंग में जाने की, वो रात की टिकट्स हैं सारी तो बिल्डिंग में जाने के लिए ये सारे लोग रात की ये टिकट अभी लेंगे, जाएंगे रात को, और रात को हमारा बयान है तो प्रोग्राम बढ़ना इसी को बोलते हैं। फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं और दोबारा टाइम मिला तो आ जाएंगे।
चक्कर लगा लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब, क्योंकि अगर हमने इस वक्त यहाँ पर आ गए तो रात का प्रोग्राम फिर हमारा बयान का वो बढ़ सकता है, इसलिए अभी हमने कहा कि बयान को नागा नहीं करना। चलो भाई वापस वापस। हाँ जी, बहुत अकवलान जाएंगे। ये क्या है? 11 किलोमीटर समंदर के अंदर, 11 किलोमीटर समंदर के ऊपर बीच में पार्क। उफ, अभी जाएंगे? अभी अभी जा रहे हैं। 11 किलोमीटर समंदर के अंदर, 11 किलोमीटर समंदर के ऊपर, और 11 किलोमीटर समंदर के ऊपर 11 किलोमीटर के बीच में पार्क। ओए होए 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 होए, जो ब्लेड से जमीन समंदर काटा गया वो ब्लेड भी पड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, ये तो ज्यादा अच्छी जगह है। आप ये देखो, अरे ये लोग हमें वो टाटा कर रहे हैं। नहीं नहीं, जापानीज हैं, हमें देख के टाटा कर रहे थे, फैमिली थी लगता है। तो आप देखें, ये इतनी सफाई है जो हमारे यहाँ शायद घरों में इतनी सफाई नहीं होती। ये पब्लिक प्लेस है और फर्श चमक रहा है, इसमें टाइलें चमक रही हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई? समंदर के अंदर, समंदर के अंदर टनल है 11 किलोमीटर, अक्वा लैंड, और समंदर के ऊपर भी 11 किलोमीटर का पुल है। ओहो, आज रात को बयान भी है, आज दो बयान हो चुके हैं, आज तीसरा बयान है रात को इंशाअल्लाह। सिग्नल बंद है पैदल चलने वालों के लिए, खुल गया। एक मिनट, ये गलियों में कितने खूबसूरत घर हैं, साफ़ सुथरे, गली भी साफ़ सुथरी। आप क्या कह रहे हैं? ये घर इन्होंने बनाए हुए, छोटा सा एक मरले का जगह भी उन्होंने 3-4 फ्लोर बनाया। हाँ, एक एक कमरा होता है इसका, पाकिस्तानी 3-3, 2-4 लाख का किराया एक एक कमरे का। अच्छा, महीने का बिजली गैस के अलावा इसका होता है। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा, ये जो घर बनाते हैं ना, ये इंजीनियरिंग के बगैर नहीं बनाते है। क्योंकि इंजीनियरिंग वो इस तरह तरतीब देते कि उसमें बाथरूम और किचन और चप्पल की जगह सेटअप मुकम्मल करते हैं। हाँ। एक इंसान की रहने की सेटअप होती है कि वो उसमें आराम से रह सके, सारी चीजें। और हमारे एक ही कमरे माशाल्लाह 4-5 बंदे हम रहते हैं, लेकिन ये एक या दो ये एक या दो बंदे रहते हैं, एक बंदा ज्यादा पूरे घर में। एक कुत्ता तो होटल में और घर में फर्क क्या हो गया फिर? कुत्ता टेंशन में ज्यादा होते हैं यहाँ पे, खुदकशी की रेशो भी ज्यादा है। अच्छा, रेशो भी ज्यादा यहाँ से। आज से 4 साल पहले एक बंदे ने ट्विटर पे अकाउंट खोली थी जापानीज ने, उसने कहा था कि जिसने सुकून की मौत मरना वो मेरे पास है। तो टोक्यो में वो अपने घर पे बुला के वो 4-4 शादियां कराता था लोगों को, अच्छा मारता था, अस्तगफिरुल्लाह, लोगों को मारता था। फिर उसको पकड़ा गया और तो उसके फ्रिज से वो मिला, वो कहते मैं सुकून से मारता हूँ। अजीब पागल आदमी था। खैर जी, सही है। सुकून से मरने के लिए आना पड़ेगा, और टेंशन से मरना है तो पाकिस्तान बेहतरीन जगह है उसके लिए। अब ये गलती नहीं होली होगा, टेंशन से मरना है तो फिर ट्विटर अकाउंट ही खुला कर। हां, अभी तो सारा उसको भी नहीं होली होगा। हां, किसी पर आराम से हो जाए, आराम से आराम से फिर सर। गोदरेज, ये क्या बैड कैफे? ये बुरा कैफे है क्या? बैड कैफे? हां, क्यों इसका नाम ही बुरा कैफे क्यों रखा हुआ है? बैड होगा, बैड का पता नहीं। ये विलाग आपका घर, मेरा विलाग होता तो बता देता। हां, वो डिटेल बता देता। चलो जी, ये क्या पार्किंग का क्या सेटअप बना हुआ है? पार्किंग जो है ये 15 मिनट का जो है ना। हाँ, ये 15 मिनट का 200-1400 यानी। हाँ, तो यहाँ खड़ी कर देते हैं गाड़ी, फिर इसमें नंबर डाल देते हैं, ये 5 नंबर है, यहाँ पर पैसे आ जाते हैं, पैसे में यहाँ पर पैसे डाल। ये ऑटो सिस्टम है सारा, यानी गाड़ी अब 15 मिनट खड़ी, तो आप क्या करेंगे इसमें? गाड़ी का पार्किंग नंबर, पार्किंग नंबर डालेंगे। हाँ, नंबर पार्किंग में आप डालेंगे, पैसे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, पैसे आ जाएंगे आपने किस टाइम। अच्छा, पार्किंग जो है, सुना है जापान में पार्किंग फ्री कहीं भी नहीं है, कहीं भी गाड़ी खड़ी करोगे, यहाँ तक के सुना है किसी के घर के बाहर भी खड़ी करोगे पैसे लेगा वो, ऐसा ही है। अच्छा, जो स्टोर वगैरह होते हैं उधर सारा फ्री होता है। अच्छा, शाम तक जो जनरल स्टोर्स हैं, शॉपिंग सेंटर है, वहाँ फ्री है वो, तो इसलिए ना ताकि लोग आए इस चक्कर में। हाँ हाँ, बड़े होशियार लोग हैं भाई।
इसको कहते हैं डेढ़ होशियारी। पार्किंग जो है ये किसी ने खरीद ली अच्छा महीने के लिए, उसका टैग लगा हुआ है, इसकी वो नहीं है। आप जब अच्छा। गाड़ी खड़ी कर देते हैं वो ऊपर हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हाँ। जब आप पैसे डाले तो ये नीचे हो जाता है। पैसे डाले बगैर किसी का बाप भी नहीं जा सकता। चलो भाई अच्छा हो गया।